अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ कासिम बिन यासर फ्रॉम एनएम एसोसिएट्स। वेलकम टू एनएम एसोसिएट्स प्रॉपर्टी टूर। आज हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सात मरले का घर लेकर आए हैं। आए सबसे पहले आपको इसकी फ्रंट एलिवेशन दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्रंट एलिवेशन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसमें ग्रे और वाइट कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किया गया। बहुत ही खूबसूरत विंडोज़ बनाई गई हैं। सबसे पहले आपको इधर टाइल्ड कारपोश मिल जाता है सारा। गेट की बात की जाए तो अगेन ग्रे और डार्क ग्रेइश कलर का कॉम्बिनेशन यूज़ करके गेट को बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत गेट है। अंदर एंटर होने से सबसे पहले आपको कारपोश मिलता है। काफ़ी स्पेशियस कारपोश है, जिसमें आपको आप इजीली दो कार ला सकते हैं, दो मिनी कूप और एक सेडान कार इजीली खड़ी हो सकती है। काफ़ी एक्सेसिव स्पेस दी गई है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन बनाया गया है फ्रंट एलिवेशन का। फिर आपको इधर टाइल्स और आर्टिफिशियल ग्रास यूज़ करके बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन मिल जाती है। मेन एंट्रेंस की बात की जाए तो 8 फुट का डोर है मेन एंट्रेंस का। बहुत ही खूबसूरत सॉलिड वुड यूज़ की गई है। लॉबी एंट्रेंस है, सेपरेट एंट्रेंस, डबल यूनिट आप इस घर को यूज़ कर सकते हैं। सेपरेट एंट्रेंस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, अंदर जाके आपको ड्राइंग और टीवी लॉन्च की एंट्रेंस मिलती है। बिल्कुल इसके साथ ही राइट साइड पे आपको इधर पाउडर रूम मिल जाता है। ये ऊपर जाने का रास्ता मिल जाता है, जिसमें सेफ्टी प्रोटेक्टिव ग्रिल और मार्बल्स लगाएंगे और बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर दिखाया गया है। अंदर एंटर हूँ मेन एंट्रेंस से तो आपको सबसे पहले टीवी लॉन्च मिलता है। आपको टीवी लॉन्च का एक फुल व्यू दिखाते हैं। काफ़ी खूबसूरत टीवी लॉन्च बनाया गया है, जिसमें ऊपर शैंडलियर, फॉल सीलिंग की गई है, वुडन टच दी गई है और LED लाइट लगाई गई है। बहुत ही खूबसूरत सामने आपको वॉलपेपर डिज़ाइन मिल जाता है और वुडन टच मिल जाता है जिस दोनों तरफ, जिधर बहुत ही खूबसूरत बीच में मिरर दिया गया है रिफ्लेक्शन के लिए। 3D वॉलपेपर लगाया गया है और वुडन आपको मीडिया वॉल मिल जाती है, जिसके नीचे आपको कंसोल मिल जाता है। बहुत ही खूबसूरत, बिल्कुल इसके साथ ही आपको टेम्पर्ड ग्लास के साथ स्लाइडिंग डोर सेपरेशन मिल जाती है। ड्राइंग रूम में जाएं तो बहुत ही खूबसूरत ड्राइंग रूम, जिसमें गेन शैंडलियर यूज़ किया गया और ऊपर बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग की गई है, जिसमें वुडन टच दिया गया और LED लाइट्स लगाई गई हैं। इधर आपको वॉलपेपर डिज़ाइन मिल जाता है, मल्टी वॉलपेपर डिज़ाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक हीटर मिल जाता है, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रखे गए हैं। बिल्कुल इधर सामने आपको किचन मिल जाता है। किचन में जाएं तो अगेन कलर कॉम्बिनेशन को देख के बहुत ही खूबसूरत किचन बनाया गया है, जिसमें मल्टीपर्पज स्टैप लगाया गया, हुड एंड स्टोव भी दिया गया आपको एक्सट्रीम का। एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस है, जिसमें ड्रॉर्स और रैक्स मिल जाते हैं आपको। इसके साथ ही थोड़ा सा ओपन एरिया दिया गया, जिसमें आप वॉशिंग कर सकते हैं। वेंटिलेशन के लिए खिड़की छोड़ गई है किचन की, ऊपर तक ओपन है ये एरिया, जिसको आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ ही आपको फर्स्ट बेडरूम मिल जाता है। काफ़ी खूबसूरत बेडरूम है, आपको बेडरूम दिखाते हैं। एक्सेसिव स्पेस है बेडरूम में, बेड वॉल अंदर की तरफ माउंटेड है बेड की जगह के लिए। बहुत ही खूबसूरत टच दिया गया, डबल वॉल पेपर यूज़ किया गया, बहुत ही खूबसूरत ग्रे कलर का। ऊपर फॉल सीलिंग की गई है, अगेन वुडन टच दिया गया है और LED लाइट्स लगाई गई हाई लाइटिंग पर्पज़ के लिए। स्पेस की बात की जाए तो एक्सेसिव स्पेस है बेडरूम में, आपको वार्डरोब भी दी गई है। अब इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है और बैक एली की तरफ एक्सेस भी मिल जाती है। पार्शियली टाइल्ड वॉशरूम है, इधर से आप बैक एली को भी एक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल इसके एडजेसेंट राइट साइड पे आपको सेकंड बेडरूम मिल जाता है। अगेन बहुत ही खूबसूरत बेड वॉल डिज़ाइन दिखाया गया बेडरूम में, जिसकी दोनों तरफ वुडन डिज़ाइन बनाया गया। बहुत ही खूबसूरत हॉरिजॉन्टल और स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइंस देके इसके साथ बेड वॉल के जैसे बेड माउंटेड वॉल है, उसमें बहुत ही खूबसूरत 3D वॉलपेपर दिया गया है। ऊपर आपको बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग मिल जाती है वुडन टच के साथ और इसमें LED लाइट्स लगाई गई हाई लाइटिंग के लिए। इधर आपको वार्डरोब मिल जाती है और इस जगह से आप बैक एली को एक्सेस कर सकते हैं। अगेन बैक एली आपको दिखाते हैं, बैक एली में भी आप वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, हीटर
और गीजर एरिया बैक एली में दिया गया है। साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत, जिसमें आपको सबसे पहले वैनिटी मिल जाती है, ऊपर स्टोरेज स्पेस मिल जाती है और पार्शली टाइल्ड वॉशरूम मिल जाते हैं। डेल की एसेसरीज यूज़ की गई हैं वॉशरूम में। मूविंग फॉरवर्ड फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलें, जैसे कि आपको बताया सबसे पहले हाइलाइटिंग चीज़ इसका स्टेयरकेस है जिसमें मार्बल यूज़ किया गया है। साथ ही आपको एल्युमिनियम रेलिंग मिलती है और सीढ़ियों में आपको वॉलपेपर मिल जाता है। ऊपर चलें तो सबसे पहले आपको वॉशिंग एरिया सेपरेट मिलता है, जो कि आपको बालकनी की जगह वॉशिंग एरिया दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर लॉबी टाइप एरिया आता है जिसमें बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग की गई है, और फिर आपको मेन एंट्रेंस मिलती है टीवी लॉन्च की। बहुत ही खूबसूरत टीवी लॉन्च बनाया गया है, शैंडलियर यूज़ किया गया है, वुडन टच के साथ सीलिंग बनाई गई है, एलईडी लाइट लगाई गई है और सामने आपको वुडन टच मिल जाता है बहुत ही खूबसूरत, और वॉल माउंटेन डेकोरेशन एरिया मिल जाता है। कंसोल दिया गया आपको मीडिया वॉल के लिए, और बिल्कुल सामने आपको किचन मिल जाता है। अगेन बहुत ही खूबसूरत किचन, जिसमें आपको हुड एंड स्टोव मिल जाता है, एक्सेसिव स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है आपको। इधर आपको फर्स्ट बेडरूम मिलेगा सेकंड फ्लोर का, इसमें अगेन बेड वॉल पे वॉलपेपर यूज़ किया गया है, वॉल हैंगिंग लैम्प्स लगाए गए हैं और ऊपर फॉल सीलिंग की गई है काफ़ी यूनिक और खूबसूरत किस्म की। इधर आपको वार्डरोब मिल जाती है एंड इसके साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है और विंडो मिल जाती है। सामने आपको दो बेडरूम मिल जाते हैं, फर्स्ट आपको राइट बेडरूम की तरफ लेके चलते हैं, वो विजिट कराते हैं। इस बेडरूम को देखें तो अगेन बेड वॉल पर बहुत ही खूबसूरत वॉलपेपर डिज़ाइन किया गया, लैंप दिया गया आपको। इधर आपको वार्डरोब एरिया मिल जाता है और वेंटिलेशन के लिए इधर खिड़की मिल जाती है जो ओपन टू स्काई है। साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। बिल्कुल इसके एडजेसेंट आपको सेकंड बेडरूम मिल जाता है। अगेन जिसमें बेड वॉल माउंटेड है बैक की तरफ बेड वाली जगह पे, बहुत ही खूबसूरत डबल वॉलपेपर डिज़ाइन यूज़ किया गया है, ऊपर फॉल सीलिंग की गई है, एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं। सामने आपको वार्डरोब मिल जाती है जो बेड के वॉल के अंदर माउंटेड है, आपको खिड़की मिल जाती है, साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सेकेंड फ्लोर की तरफ चलें, अगेन आपको सेकेंड फ्लोर पर जाते हुए मार्बल स्टेयरकेस और रेलिंग मिल जाती है। आपको ओपन स्पेस मिल जाती है जिसमें आप इधर वॉशिंग एरिया बना सकते हैं, आपको पॉइंट्स दिए गए हैं और साथ ही एक और बेडरूम मिल जाता है, काफ़ी स्पेशियस है, जिसमें आपको वार्डरोब मिल जाती है और साथ ही आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। इसको आप एज अ पाउडर, आपको एज अ सेवन क्वार्टर भी यूज़ कर सकते हैं। इधर आपको एक और विंडो मिल जाती है और सामने उधर से आप छत को एक्सेस कर सकते हैं। छत की बात की जाए तो मार्बल आपको छत मिल जाती है, बहुत ही खूबसूरत और स्पेशियस छत मिल जाती है। इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये लेक सिटी मॉल ग्रैंड जामिया मस्जिद से 5 मिनट वॉक के डिफरेंस पे है और 2 मिनट ड्राइव के। जैसे कि आप देख सकते हैं सामने आपको ग्रैंड जामिया मॉस्क नज़र आ रही है और बिल्कुल इसके एडजेसेंट लेक सिटी मॉल लोकेटेड है।
उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।